सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट एपीएन सेटिंग, जो कि वीआई कंपनी के एपीएन सेटिंग आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इस मंथ की लेटेस्ट एपीएन सेटिंग आपको देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीआई सिम की लेटेस्ट एपीएन सेटिंग करने के लिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन आप मेरे वीडियो के साइड पर आपको देखने को मिल रही है। इस पर मैं आपको डिटेल टू डिटेल बता रहा हूँ कि आपको एपीएन सेटिंग को कैसे करना है। तो सिंपल से आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड गाइस, जैसे ही सेटिंग को ओपन करते हैं तो इधर पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कनेक्शंस का। इस कनेक्शंस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है एंड गाइस, जैसे ही क्लिक करते हैं तो मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस मोबाइल नेटवर्क पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है एंड गाइस, जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक्सेस पॉइंट नेम्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस एक्सेस पॉइंट नेम्स पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है एंड गाइस, जैसे ही क्लिक करते हैं तो इधर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको सिम स्लॉट सेलेक्ट करने का। तो जैसे मेरी VI की सिम सेकंड स्लॉट पर है तो मैं सेकंड इधर पर सेलेक्ट कर लेता हूं एंड सिंपल से इधर पर आपको 3 डॉट्स राइट साइड पर ऊपर साइड पर देखने को मिलेंगे। इस पर क्लिक कर आपको रीसेट टू डिफॉल्ट कर रीसेट पर क्लिक कर देना है एंड गाइस, जैसे ही रीसेट कर देते हैं तो ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड देन इस पर आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करते हैं तो नेम्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस नेम्स पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे सेटिंग्स को आपको करना है। तो जो आपका V रहेगा वो आपका कैपिटल में रहेगा, बाकी स्मॉल में लिखना है, VI स्मॉल में लिखना है और सिंपल से आपको 5G लिख देना है, VI 5G लिख देना है एंड ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो APN का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस APN के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है VI 5G नेट। अब ये जो आपको APN के ऑप्शन पर लिखेंगे VI 5G नेट, ये सभी स्मॉल में रहेंगे और विदाउट स्पेस आपको डालने हैं एंड सिंपल से ओके पर आपको क्लिक कर देना है। प्रॉक्सी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नॉट सेट रखना है, पोर्ट के ऑप्शन को भी नॉट सेट रखना है। यूजर नेम पर आपको क्लिक करना है और सिंपल से यूजर नेम आपको जो रहेगा वो @ के साथ में रहेगा, तो @ लगाना है सबसे पहले और साथ में इधर पर VI 5G नेट स्पीड, VI 5G नेट स्पीड आपको इधर पर स्मॉल लेटर में टाइप कर देना है विदाउट स्पेस के साथ में और @ के साथ में आपको इधर पर डालना है एंड ओके पर आपको क्लिक करना है। पासवर्ड के ऑप्शन को नॉट सेट रखना है, सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, www.google.com इधर पर एंटर कर देना है एंड ओके पर क्लिक कर देना है। MMSC का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नॉट सेट रखना है। MMS प्रॉक्सी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नॉट सेट रखना है। MMS पोर्ट के ऑप्शन को भी कुछ नहीं करना, MCC को कुछ नहीं करना, ये एरिया बाई कोड सेलेक्ट रहते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप पर आपको क्लिक करना है, PAP और CHP का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। APN टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इधर पर और भी कुछ लिखा होगा तो सबको कट कर आपको स्मॉल लेटर में डिफॉल्ट डाल देना है एंड जैसे ही डाल देते हैं ओके पर आपको क्लिक कर देना है। APN प्रोटोकॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, IPv4 एंड IPv6 को सिलेक्ट कर देना है एंड APN रोमिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इधर पर आपको क्लिक करना है। IPv4 एंड IPv6 को इधर पर भी आपको सिलेक्ट कर देना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बियरर। अब बियरर के ऑप्शन पर क्या क्या सेलेक्ट करना है इस मंथ की क्या क्या कनेक्टिविटी होगी उसको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाले को अनटिक करना है सबसे पहले, तो LTE और सेकेंड और थर्ड को टिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन को HSUPA का आपको छोड़ देना है और फर्स्ट सेकेंड और नीचे से आपको फर्स्ट सेकेंड ये दो ऑप्शन नीचे से सेलेक्ट कर देना है और ये दो ऑप्शन ये वाले और स्टार्टिंग से आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर देने हैं एंड ओके पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है एंड सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपकी सेटिंग है कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको न्यू सेटिंग सेलेक्ट कर देनी है एंड आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है एंड आपकी जो APN सेटिंग है वो अच्छे से वर्क करने लगेगी। अब काफ़ी बंदे बोलते हैं भाई ये कुछ काम की नहीं होती, काफ़ी बंदे वीडियोस पर मेरे कमेंट भी करते हैं भाई ये सेटिंग कुछ काम ही की नहीं होती। अब भाई मैं अपने मेहनत से आपको बताता हूँ कि इस मंथ की क्या कनेक्टिविटी है, इसकी मैं एक रिसर्च करता हूँ कि इस मंथ में क्या क्या कनेक्टिविटी होगी। तो आप लोग बोल देते हो भाई कुछ नहीं होता, अभी इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ। जिस एरिया पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है उधर पर ये APN सेटिंग आपकी काम करती है। अब ऐसा ही नहीं कि आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी आपके घर पर सिमिलर सी रहती है तो सिमिलर सा ही नेट चलेगा, बट जहाँ पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी बेकार होगी उधर से आपका सुधार काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क पर हो जाएगा। ये आप आजमा भी सकते हो किसी अदर नेटवर्क पर जाकर जहाँ पर काफ़ी लोगों के नेटवर्क्स नहीं आते, आपके 101% आएंगे नेटवर्क। तो इस APN सेटिंग को हर मंथ करना बहुत ही जरूरी होता है और हर कंपनियों की APN सेटिंग मैं आपको फ्री में अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।